और अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। मधुमेह यानी डायबिटीज जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारी है। भारत में डायबिटीज रोगियों की संख्या दुनिया के और देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है। भारत को डायबिटीज का कैपिटल भी कहा जाता है। डायबिटीज अब महिलाओं के साथ साथ बच्चों में भी तेजी से बढ़ रही है। क्या है इस बीमारी के लक्षण और कैसे बचे डायबिटीज से, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। डायबिटीज यानी मधुमेह एक ऐसा रोग है जिसमें शरीर में इंसुलिन की मात्रा या तो कम बनती है या फिर बनती है तो कम काम कर रही होती है। शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन बनता है। ये इंसुलिन ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। डायबिटीज की बीमारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आसानी से पहुंच जाती है। एक बार किसी को डायबिटीज हो जाए, शुगर की बीमारी जिसको ये मधुमेह कहते हैं, वो हो जाए तो फिर वो 5-10 बीमारियां और उसकी जड़ होती है और कई सारे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं, और चाहे दिल के हो, चाहे दिमाग के हो, चाहे फुट के हो, या गुर्दे के हो, या आंख के हो, या किसी भी अंग हो शरीर का, वो प्रभावित हो सकता है। इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना होगा। उसके लक्षण, मुख्य लक्षण है कि प्यास ज्यादा लगना, भूख ज्यादा लगना, वजन कम हो जाना, पेशाब का बार बार आना। एक उम्र के बाद, चाहे वो 40 साल को हो या घर में किसी डायबिटिक हो, तो फिर 30 साल की उम्र के बाद भी हम बताते हैं कि शुगर टेस्ट कराना चाहिए समय समय पर। डायबिटीज को साइलेंट किलर कहा जाता है। वक्त रहते अगर इसकी पहचान हो जाए तो दूसरी गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है। डायबिटीज से बचाव करने के लिए हमें जीवन शैली पे विशेष ध्यान रखना होगा, खान पान पे, और नियमित रूप से व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। अगर ये हम बराबर करते रहें और फास्ट फूड या तली हुई चीजों से बचें और बहुत ज्यादा शुगर की मात्रा ना लें और व्यायाम जैसे मैंने बताया ये करते रहें, तो हम डायबिटीज से निश्चित रूप से बच सकते हैं। मॉर्निंग वॉक सबसे बेहतर होता है। कम से कम आधा घंटा हम बताते हैं, उसमें 5-7 मिनट आप धीरे धीरे अपनी स्पीड बढ़ाएं और 20-25 मिनट स्पीड पकड़ने के बाद आप चलें और फिर धीरे धीरे अपना स्पीड कम करके आप आराम करें, तो ये मेरे ख्याल से आपको फिट रखेगा, ना ही डायबिटीज से बचाएगा किंतु उसके कॉम्प्लिकेशंस और आपका दिल को भी जरा मजबूत करके रखेगा। डायबिटीज खतरनाक तरीके से फैल रहा है। देश भर में करीब 6 करोड़ और दुनिया भर में 28 करोड़ लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD News, नई दिल्ली।